मैं आपका दोस्त संतोष और स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल खुरापाती शर्मा जी में। दोस्तों, एक मैं वीडियो डाला था रेलवे ट्राइकलर टर्च के ऊपर कि कैसे ट्राइकलर टर्च बनता है। तो उसमें बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं चाहने वाले, उनमें से कुछ ने कमेंट किया था कि सर ये डायग्राम के साथ समझा दीजिए ताकि समझ में आसानी से आए, पूरी तरह से समझ सकें। और दोस्तों, किसी ने ये भी कमेंट किया था कि ये सामान कहाँ मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, किस दुकान पे मिलेगा। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि अगर पॉजिटिव वोल्टेज से अगर बनाना हो स्विच के थ्रू तो कैसे इसको, ये डायग्राम में क्या चेंज आएगा, कैसे बनेगा। तो आज का जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं दोस्तों सभी चीज़ को कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे इतना प्यार दिया। और वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं कुछ नया अगर वीडियो डालूं तो आपको मिले। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो है ये 555 टाइमर आईसी है, 555 टाइमर आईसी। और ये है जो मैं कैपेसिटर यूज किया था 47 के 25 वोल्ट का, ये कैपेसिटर है। और इसका ये नेगेटिव साइड है, एक तरफ ये जहाँ पे ये ब्लैक रंग का पट्टी होता है ये नेगेटिव होता है उसका, और ये पॉजिटिव। ये है ट्रांजिस्टर BC558, और ये है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे और ये 1K रेजिस्टेंस था। आप अच्छा दोस्तों, किसी ने ये भी कमेंट किया है कि उसका लाइट LED का रोशनी कम होता है, तो आप जितना ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज कीजिएगा उतना करंट ड्रॉप होगा और लाइट कम होगा, और जितना कम यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा लाइट होगा। तो आप यहाँ पे 100 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज कीजिएगा तो आपका लाइट रोशनी बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1K का किया था। ठीक उसी प्रकार 3 रेजिस्टेंस चाहिए था, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा। तो ये है रेजिस्टेंस, ये भी आप 100 का यूज कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1K लिख देता हूँ, 1K रेजिस्टेंस, ये भी 1K रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और ये डायोड है दोस्तों, ये हैं ये दोनों डायोड 4007, और ये भी है 4007 डायोड। अच्छा, अब दोस्तों ये जो LED में यहाँ पर सीधे LED का मतलब डायग्राम मतलब LED बना दिया हूँ यहाँ पे, तो ये है रेड LED। इसमें मैं इसको डार्क नहीं किया हूँ और इसको मैं डार्क कर दिया हूँ और थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया ताकि समझ में आए दोनों। ये है ग्रीन LED को मैं बता रहा हूँ और ये रेड LED को मैं दर्शाना चाहता हूँ। तो ये हो गया 3 LED, रेड और 3 ग्रीन LED। और ये जो स्विच है दोस्तों, ये टॉर्च लाइट का, ये जो आप टॉर्च लाइट जो देख रहे हैं ये सर्किट सिर्फ इसी टॉर्च में काम करता है, क्योंकि इसका जो बॉडी है ये बॉडी के साथ ही नेगेटिव होता है, और इसका नेगेटिव जो है इसका स्विच के थ्रू हम लोग नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। अगर प्लास्टिक वाला होगा तो उसमें ये डायग्राम काम नहीं करेगा, अलग तरह से थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करना होगा। तो ये जो 2 LED स्विच जो है, ये स्विच, ये स्विच और ये स्विच, ये 2 स्विच हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना सारा कुछ इसी मैं मेंशन करूँगा। तो ये जो है दोस्तों टाइमर IC, इसका सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि इसका 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन को शॉर्ट कर दीजिएगा, और 2 नंबर और 6 नंबर पिन को शॉर्ट कर लीजिएगा आप। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8, ये 8 पिन है इसका। तो 2 और 6 को शॉर्ट कीजिएगा और 4 और 8 को शॉर्ट कीजिएगा। इसका 1 नंबर पिन के साथ आप कैपेसिटर जो है 47K 25 वोल्ट का,
इसके माइनस के साथ, निगेटिव के साथ आप इसको एक नंबर को कनेक्शन कनेक्ट कीजिएगा और दूसरे पिन को दूसरे टाइमर आईसी के दूसरे पिन से इसका कैपेसिटर का प्लस के साथ जॉइन कनेक्शन करना है। और तीन नंबर जो इसका पिन है टाइमर आईसी का, ये आईसी का ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस यूज़ कीजिएगा और एक सिरा तीन के साथ जो जॉइंट होगा और दूसरा सिरा ये जो BC558 जो है इसका बीच वाला पॉइंट के साथ जॉइंट होगा, ठीक है दोस्तों। और तीन नंबर जो इसका BC558 का जो तीन नंबर पिन जो है, ये पिन आपका LED जो है, छः LED के प्लस के साथ जॉइंट कर दीजिएगा। छः के छः का प्लस जो है इस तीन नंबर पिन के साथ जॉइंट होगा। यहाँ तक ये प्लस का कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों ये जो इसका आठ नंबर, सात नंबर और छः सात आठ जो है इसमें, मतलब कहने का मतलब हुआ छः के साथ सात का, सात छः और सात के बीच एक रेजिस्टेंस होगा, 1K लगाइए, 100 ओम्स लगाइए, और एक सात और आठ के बीच में होगा। तो हमने इस तरह कर दिया है, ये आया कनेक्शन और ये रेजिस्टेंस इधर एक सिरा रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर छः नंबर पिन जो है उसका एक सिरा रेजिस्टेंस का एक सिरा से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा ये सात नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब ये तो हो गया, अब क्या करना है, ये जो माइनस जो है कैपेसिटर और एक नंबर पिन जो जुड़ा हुआ है टाइमर आईसी का, इसके साथ आप डायोड को जॉइंट कीजिएगा। डायोड का जो काला वाला पार्ट जो है, जो ये जो है जो ब्लैक कलर का होता है पूरा, यहाँ पे सफ़ेद पट्टी होता है डायोड में, यहाँ पे सफ़ेद पट्टी होता है, तो जो ब्लैक साइड जो है उसको आप ये जॉइंट कीजिएगा इसके साथ, ये एक नंबर पिन के साथ, एक नंबर पिन के साथ कीजिए या कैपेसिटर का माइनस से कीजिए या दोनों के बीच में कर दीजिए, जैसा आपका सुविधा हो। तो इसके साथ आपका ये डायोड का ब्लैक साइड जुड़ जाएगा, उसी तरह दूसरा डायोड भी सेम उसी तरह जुटेगा, एक साइड आपका एक नंबर पिन के साथ जुड़ जाएगा। और जो सफ़ेद वाला जो पट्टी वाला साइड जो है दोस्तों, ये जो है ये आपका, ये तीन तीन जो LED यूज किया हुआ है, ग्रीन, रेड और ग्रीन, एक जो डायोड का सफ़ेद वाला पट्टी वाला साइड जो है, ये आप एक को आप दीजिएगा ग्रीन के साथ या रेड, ग्रीन के साथ या रेड के साथ। तो मैं यहाँ पे इसका जो है ये सभी का माइनस जो है, LED का माइनस, ये सभी LED के माइनस के साथ इस LED को, डायोड को यूज़ किया हूँ। ये तीनों रेड LED के लिए मैं इस डायोड को यूज़ किया हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये जो है भाग, ये माइनस वाला भाग है, ये भी माइनस वाला भाग है और ये भी माइनस वाला पार्ट पिन है, और ये जो है प्लस वाला पिन है, ये प्लस वाला पिन है, ये वाला पिन प्लस है, ये वाला पिन प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ये माइनस पिन है, ये भी माइनस पिन है और ये भी माइनस पिन है, और ये जो है प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस पिन है। तो इस डायोड का डायोड जो है, जो सफ़ेद पट्टी वाला साइड, एक डायोड को मैं ये रेड LED के लिए यूज किया हूँ। तो सारा जो तीनों LED का नेगेटिव है, तीनों LED के नेगेटिव के साथ इस डायोड को मैं ज्वाइन कर दिया हूँ सफ़ेद वाला सिरा का साइड। और दूसरा जो डायोड है 4007 डायोड, इसका इसको मैं यूज़ किया हूँ ग्रीन LED के लिए। तो ये देखिए, मैं इसका पट्टी वाला जो साइड है इसको मैं यहाँ से लेकर आया और यहाँ इस ग्रीन LED का जो माइनस है ज्वाइन कर दिया, इसके साथ ये माइनस को जोड़ दिया, इसके साथ इस माइनस को जोड़ दिया और इसके साथ इस माइनस को जोड़ दिया। मतलब ये पिन, ये जो पिन है, ये साइड, ये पिन जो है ये इसके साथ और इस LED के माइनस के साथ जुड़ जाएगा, जिस तरह इसको जोड़े थे इस तरह। अब दोस्तों लाइट, टॉर्च लाइट जो है, टॉर्च लाइट का जो दो स्विच हैं, वो स्विच टॉर्च, ये मान लीजिए ये जो है, ये टॉर्च लाइट हो गया, ठीक है, ये टॉर्च लाइट हो गया। और यहाँ पे जो तीन स्विच होता है, एक तो स्विच डायरेक्ट व्हाइट के लिए होता है, तो इसको कुछ नहीं करना है। और ये जो स्विच है, क्योंकि ये जो बॉडी जो है, बॉडी के साथ इसका टच होता है, तो यहाँ से
और ये बॉडी जो है बैटरी के साथ टच होता है। ये जो बॉडी है ये क्योंकि पूरा मेटल का होता है, ये पूरा मेटल का बॉडी इस स्विच के साथ टच होता है, और ये इसका जो पॉइंट जो निकला रहता है एक पट्टी, उस पट्टी के साथ आपको यहाँ से ला करके ये स्विच के साथ जुड़ जाएगा। और इसी डायोड का जो सफ़ेद पट्टी वाला साइड है उसके साथ आप जिसको जिस स्विच को यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए इस स्विच को आप रेड एलईडी के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसका ये जो जो पट्टी निकला रहता है स्विच का, उस पट्टी के साथ ले करके आप इसका कनेक्शन ये स्विच के थ्रू स्विच के साथ जोड़ देना है। मतलब ये जो स्विच है, ये स्विच को मैं बता रहा हूँ, ये जो स्विच है ये वाला स्विच है, तो ये जो स्विच है ये तो बॉडी के साथ टॉर्च लाइट के बॉडी के साथ लगा हुआ रहेगा, और ये जो पिन है जो पत्ती निकला रहता है, ये जो पत्ती निकला हुआ है इस पत्ती को आप इसका कनेक्शन आप एलईडी के निगेटिव में कर दीजिए या डायोड के इस सफ़ेद पट्टी वाला साइड में कर दीजिए। तो अगर इस स्विच को आप अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये स्विच जो है, देखिए मैं इसको रेड एलईडी, ये जो है टोटल रेड एलईडी है, तो इस स्विच इस डायोड को मैं रेड एलईडी के लिए यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए इस स्विच को अगर रेड एलईडी के लिए करना है तो ये जो स्विच है यहाँ पे आप स्विच के सामने एक लाल मार्किंग कर दीजिएगा ताकि देखने में आपको सुविधा यूज करने में सुविधा हो, और ये जो उसका जो पट्टी निकला रहेगा स्विच का, उस पट्टी के साथ आपको ये आपका डायोड के इस डायोड के सर सिरा में पिन में यूज कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, या आप एलईडी के निगेटिव में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका ये स्विच आपका रेड के लिए हो जाएगा। रेड अब जब इसको दबाएंगे आपका रेड एलईडी जलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप इस स्विच को, ये जो स्विच है दूसरा तीसरा स्विच जो कि ये तीसरा स्विच है, उसी तरह आप इसको आपको ग्रीन के लिए यूज करना है, तो आप स्विच का ये जो स्विच जो है इसका जो पट्टी निकला रहेगा, ये जो पट्टी निकला हुआ है इसको लाकर आप कनेक्शन इसका वायरिंग कर दीजिए। आप ये जो तीनों डायोड जो है ये तीनों डायोड का निगेटिव के साथ कर लीजिए, या आप इसको ला करके इसके साथ कीजिए, या इस डायोड के पिन में लगा दीजिए। बात की है तो यहाँ पे आप वायरिंग कर लीजिए या इस डायोड के पिन के साथ निगेटिव के साथ, ये तीनों के जहाँ पे तीनों जुड़ेगा वहाँ पे आप इसको वायरिंग कर लीजिए। तो इस तरह आपका ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और आपका ये मगर याद रखिएगा मेटल वाला ट्रस्ट के लिए ये काम करेगा सर्किट। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट किए हैं कि ये पार्ट्स कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों ये जो पार्ट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मिलता है आपको, वहाँ पे आप दुकान पे जाइएगा तो आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा, और ये ऑनलाइन भी मिलता है मगर ऑनलाइन इसका दाम ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो मैं आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, आप वहाँ से लिंक से जाकर आप परचेज कर लीजिएगा। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि अगर पॉजिटिव के साथ कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पॉजिटिव है, ये जो पिन का जो तीसरा, ये जो BC5588 का जो तीसरा नंबर जो पिन है, ये जो हर एलईडी के पॉजिटिव में गया हुआ है, आप यहाँ से दो पिन निकाल लीजिएगा, यहाँ से दो तार निकाल लीजिएगा, एक तार यहाँ से और एक तार इधर से, मान लीजिए ये मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, एक वायर यहाँ से निकाल लीजिए, दो वायर इस पिन से, दो वायर निकलेगा, एक वायर के साथ में एक स्विच को आप कनेक्ट कीजिएगा, दूसरा जो मेटल वाला टॉर्च में नहीं होगा मगर प्लास्टिक वाला में, तो ये आप प्लास्टिक वाला टॉर्च में कीजिएगा, इस पिन को आप एक स्विच के साथ, ये तीन एलईडी जो है ग्रीन वाला, ये तीन एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, और फिर दूसरा जो इसका वायर निकलेगा उसके साथ आप एक स्विच को यूज कीजिएगा, और ये तीनों एलईडी जो है तीनों एलईडी के पॉजिटिव के साथ में ज्वाइन कर दीजिएगा स्विच के थ्रू, ताकि आप जब भी इसको प्रेस कीजिएगा तो आपका ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये एलईडी जलेगा तीनों। उसी तरह इसको जब आप प्रेस कीजिएगा तो ये तीनों आपका ग्रीन वाला जलेगा। तो आप पॉजिटिव के थ्रू भी आप इस तरह करके आप यूज कर सकते हैं, और निगेटिव से तो मैं समझा ही दिया पहले, और ये एक बंधु है मेरे कमेंट किए थे
कि पॉजिटिव से कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप इस पिन से दो वायर निकाल कर आप स्विच के थ्रू तीनों के इस तीनों एलईडी के पॉजिटिव के साथ एक स्विच को और दूसरा स्विच पिन जो है दूसरा इस पिन के दूसरा जो वायर होगा उसके साथ इस तीनों के प्लस के साथ आप ज्वाइन करके आप इसको पॉजिटिव के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर अच्छी तरह से समझाने का। और मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट्स का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके आसपास में अगर दुकान हो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मिलता है वहाँ पर अगर ख़रीदना होगा तो वहाँ से आपको कम में आपको सामान मिल जाएगा, ये पार्ट्स वगैरह कम दाम में मिलेगा। आपका ये आईसी टाइमर आईसी 555 ₹10 में आता है, ये भी ₹1-2 में ये कैपेसिटर मिलता है, ये आपका ₹3 के आएगा, ये BC 558। और ये रेजिस्टेंस आपका 60 पैसा ₹1 इस तरह करके आपका रहेगा। एलईडी आपका ₹3 करके लेता है एक पीस, और डायोड भी ₹2-3 इस तरह पड़ेगा, ₹2-1 पड़ेगा इस तरह पड़ेगा आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपका डायग्राम एकदम इजी समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर कोशिश करूँगा समझाने को। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।